नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल एचडीज को। हजारों लोगों के साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी निकल चुके हैं, सीएम आवास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह हो गई? देखिए, बिहार में ये राक्षसी राज है और राक्षसी राज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हत्या करके उनके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार करने के बाद हत्या होती है और उसके बाद उसे आत्महत्या का रूप देने वाली ये सरकार है। और नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जगने को तैयार नहीं है। उनको झकझोरने के लिए, उनको जगाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तैयारी तो अपने कर ली है, सुरक्षा बल काफी है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, पानी का बौछार भी हो सकता है। देखिए, पुलिस जिस तरह से व्यवस्था बर्ताव कर रही है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हम लोग जाना चाह रहे हैं, वो अभी भी लाठी बरसाई है, कितने लोगों को हाथ में चोट लगी है। तो ये गुंडागर्दी, गुंडा राज है, राक्षसी राज है, गुंडा राज है और ये ताकत से नीतीश कुमार दबाना चाह रहे हैं। ये दबने वाला नहीं है, बिहार का ये आक्रोश निकल चुका है और नीतीश कुमार को राक्षसी राज से बिहार को मुक्ति दिला करके बिहार को आगे ले चलने के लिए। पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई बार अपील की है सरकार से, क्या कान तक जू रेंगी है? विधानसभा का सत्र चल रहा है इस वक्त, अभी तक कुछ उनका नहीं, कुछ नहीं उनको जू रेंगा है। जू रेंगा होता तो हमने उनसे पैसा नहीं मांगा। ललन सिंह गए थे मुंगेर, मुंगेर गए हैं, लेकिन ललन सिंह जैसे लोगों को मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ बिहार की सरकार पूरे बिहार को शर्मसार कर रही है, वहाँ कुछ कहना बड़ा हास्यास्पद होगा कि आज हमने इस हत्याकांड में कोई पैसा का मांग नहीं हुआ कि उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार की बहादुर बेटी थी, हमने उसके लिए केवल सीबीआई जांच की मांग की थी और केवल सीबीआई जांच करने में क्या परेशानी है? हमारा काम था कि आज उस परिजन को क्यों नहीं खबर किया गया? जब किसी की बेटी की हत्या होती है या आत्महत्या होती है, घटना स्थल पर उसको क्यों नहीं बुलाया गया? और अगर कोई सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वहाँ के एसपी बोले कि पंखा से, वो पंखा के फांसी लगा करके बोल गए। न किसी मीडिया कर्मी को वहाँ जाने दिया गया, न परिजन को जाने दिया गया और बोला गया वहाँ खून के दरवाजे से खून निकल रहे थे। तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आत्महत्या करने में कहीं खून निकलता है? कोई फांसी का फंदा लगाता है तो खून कहाँ से आता है? हजारों लोगों के साथ आप इन बातों को लेकर वहाँ तक जाइएगा जरूर। हम स्नेहा मंडल को न्याय दिलाने के लिए, शशिकला को न्याय दिलाने के लिए किसी स्तर तक जाने की जरूरत होगी। नीतीश कुमार की पुलिस, चाहे नीतीश कुमार हमको जितना भी गोली मार दें, लेकिन मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, लेकिन उन्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। और चमकी बुखार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार करने का काम किया है, क्या 14 साल पूरा हो गए और जब से हैं सैकड़ों बच्चे हमारे मुजफ्फरपुर में मरते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का पता नहीं कहाँ इसकी गद्दी के लिए जो इनका ये जगता है, आज बच्चे जो मरते हैं उनके लिए कब इनका जगेगा, कब ये जगेंगे, ये समझ में नहीं आता है। कब नीतीश कुमार की निद्रा टूटेगी और कब ये हजारों युवा जो है वो शांत होंगे? आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सहयोगी विकास के साथ, आलोक कुमार, लाइव स्ट्रीम मीडिया, पटना।